क्या चाहिए सर? अरे कुछ नहीं यार, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूँ। आई हैव अ वेरी स्पेशल शवरमा, वुड यू लाइक टू ट्राई वन? अरे तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, कहाँ से सीखी? ग्रेजुएट हूँ सर। तो फिर यहाँ पर कैसे? सर क्या बताऊँ अब आपको, ग्रेजुएशन के बाद काफी धक्के खाए। मेरे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी नहीं कि जॉब मिलती, सर पे जिम्मेदारियों का बोझ था। 5 बहनों का इकलौता भाई हूं और अपने माँ बाप का वाहिद सहारा। तो क्या अब तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली? नहीं नहीं सर, मिली थी, नौकरी मिली थी, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि घर का बोझ उठा सकती। मैंने कहा किसी और के यहाँ जॉब करने से बेहतर है कि अपना काम क्यों ना करूं, अपनी मुलाजमत करूं। तो फिर मैंने इसीलिए ये काम लगाया और अब अल्लाह का शुक्र है अपना काम करता हूँ। गुड यार, लेकिन अजीब नहीं लगता कुछ इतने पढ़े लिखे होकर के इतना मामूली सा काम करना? सर किताबों में भी पढ़ा था, बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि कोई भी काम मामूली नहीं होता और मेहनत में ही अजमत है। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सिर्फ किताबी हैं? ये नहीं, अच्छी बात है एक्चुअली। वालदैन, रिश्तेदार, इन सब की बातें, ताने, ये सब यू नो मजाक उड़ाते होंगे, बर्दाश्त करना मुश्किल होता होगा। सर भूख और गरीबी सब कुछ सिखा देती है। और हाँ, आज जब मैं दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों से ज्यादा पैसे कमाकर घर ले जाता हूँ तो यही फैमिली मुझ पर फख्र करती है, जिसको पहले मेरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती थी। और रिसेंटली मैंने एक और स्टॉल भी लगाया है। अरे वाह यार, तो बहुत ही मुतासर हो गया हूँ तुमसे। सर मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया जाए ना, उसमें कामयाबी मिलती है और अल्लाह उसमें बरकत भी डालते हैं। देखिए मेरा शवरमा क्वालिटी में बेहतरीन है और मैं सफाई का खास ख्याल रखता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने कस्टमर को कस्टमर नहीं, मेहमान मानता हूँ। तुम जानते नहीं हो कि तुमने मुझे जिंदगी का कितना कीमती सबक सिखा दिया इस वक्त, जो ना मैं किसी स्कूल में सीख सकता था ना किसी यूनिवर्सिटी में। थैंक यू यार। थैंक यू सर। हाँ अब आप शवरमा खाकर जाएंगे मेरा? अरे नहीं यार छोड़, मैं अभी बनाता हूँ आपके लिए।